मैं भीख मलिक, स्टेट पेंट लोक जनशक्ति पार्टी। आज यहाँ पे हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इस पर रखी हुई है कि मैं जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट बना हूँ, और जो हमारी महिला विंग की है स्टेट पेंट, जो नीता छत्रपुरी, जो वही प्रेसिडेंट है जो जम्मू कश्मीर की, पहले भी यहाँ प्रेसिडेंट थी, आज भी वही प्रेसिडेंट रहेंगी जम्मू कश्मीर की, तो उनका हम वेलकम करते हैं। हमको उनको फ़ोन भी हमने किया, लेकिन वो कश्मीर में बैठे हुए हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। जो हमारी महिला यहाँ पे आई थी, काफ़ी कमेटियाँ बनने के लिए तैयार, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की बनानी है, हमारी जो पूरी टीम यहाँ बैठी है उनके स्वागत के लिए हम उनका वेलकम करेंगे यहाँ अपने। और 5 जुलाई को हमने पासवान जी की जयंती रखी है यहाँ पे, हम अपने वर्करों को सबको यही बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे आएँ और उनकी जयंती मनाएंगे। पासवान जी की यादगिरी हमें सताती है, हम उनसे बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, तो इसीलिए हम उनकी जयंती मना रहे हैं 5 जुलाई को, सारे वर्कर हमारे यहाँ पे आएँ। और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के जो वर्कर हैं, लीडर हैं, जो भी मुझसे पहले जो लीडरशिप यहाँ पे है थी, जो कमेटियाँ थी, कुछ भी थी, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ प्रेमनगर में हेड ऑफिस लोक जनशक्ति पार्टी का बना हुआ है, वो हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं, आगे मिल सकते हैं, रूठना नहीं है, क्योंकि रूठेंगे फ़ायदा कोई नहीं रूठने का। हम ये चाहते हैं कि हमारे वो भाई हैं, हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, वो सारे आए हमसे मिलके, हम मिल के हम काम करना चाहते हैं। चिराग जी के लिए काम करेंगे, जो उनकी पार्टी, जो उनने कमान पकड़ी है, नेशनल प्रेसिडेंट जो बने हुए हैं, उनका वेलकम करते हैं जम्मू कश्मीर में। हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो आने वाला टाइम है, लोक जनशक्ति पार्टी का टाइम है, जो हमारे वर्कर हैं, पुराने हैं, जो जितने हैं, वो सारे आए जहाँ प्रेमनगर हेड ऑफिस हमारा बना हुआ है, यहाँ पर उनका वेलकम करेंगे, खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। सारे हमारे भाई आए, हमने किसी को नहीं निकाला पार्टी से, ना हम किसी को निकालेंगे, ना हम किसी की पोस्ट काटने वाले बंदे हैं। हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिल के आएँ, प्यार मोहब्बत से मिल के बांट के हम चलेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम यही खुले दिल से स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।